मुंबई पार्ला का एक उपाश्रय है। एक 7 साल का लड़का भागते भागते आया, बोले महाराज। बोलता हाँ आप महाराज हो? बोलता हाँ महाराज तो हमको ही बोलते हैं, उपाश्रय में है हम। वो वापस सोचने लग गया, सच में आप महाराज हो? हाँ तो क्या करो, तुझे कैसा यकीन दिलाओ कि मैं ही महाराज हूँ? अच्छा पक्का महाराज हो तो एक काम करना, मम्मी ने बताया है आपको बोलने को कहा है, बुधवार को खाना बनाने आ जाना। वो बोले महाराज साहब बोल रहे थे, ठीक है बैठ, खड़ा नहीं था नहीं तो चक्कर खाकर गिर जाता, बैठा हुआ था। बोले तुझे जिस महाराज की जरूरत है ना वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में, हम ऐसे महाराज है लेने वाले, जब खाना बन जाता है ना तो हम आकर लेकर जाते हैं, हम खाना बनाने वाले नहीं, हम खाना लेने वाले महाराज है। आपको ये हंसी आ रही है, सच्ची घटना है मुंबई पार्ला की। हमारे लड़कों को महाराज साहब क्या है ये भी नहीं मालूम। अंकल अंकल मम्मी ने कहा है टिफिन लेकर आ जाना, खाना रेडी है, ऐसा बोलते हैं। अंकल अंकल आपका रेड कलर का टिफिन लेकर आ जाना, खाना रेडी है। नॉलेज नहीं है, महात्माओं के बारे में जानकारी नहीं है, साधु साधु जी भगवान के प्रति। ललित विस्तरा ग्रंथ में 3 चीजें चाहिए बोलते, विधि, एक तो विधि जानकारी होनी चाहिए। आपको लगता है कल्पसूत्र आप सुनते हो? कल्पसूत्र जब पर्युषण के दिनों में होता है, चौथे दिन जब कल्पसूत्र शुरू होता है उसमें पहले साधु भगवंत के आचारों की बात होती है, साधु भगवंत को कैसा रहना चाहिए, साधु भगवंत के 10 आचार कौन से। कभी कभी प्रश्न आता है कि साधु भगवंत के आचार को श्रावक को क्या जानना, जिस गली में तेरा घर न हो बाल में उस गली से हमें क्यों गुजरना, कि जो भगवान जो हमारा विषय नहीं है उसमें हमको क्यों जानना। एक प्रश्न नहीं आया कभी कि रोज वो साधु भगवान को ये नहीं कलपता है, साधु भगवान को ऐसे रहना चाहिए, हम श्रावकों को क्यों जरूरत। साधु भगवंत के आचार इसलिए जानने हैं। राहुल गांधी, गांधी परिवार में कोई भी पैदा हो जाए ना वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाता है, उसमें लायकात हो या ना हो, मैं राजीव राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें लायकात हो या ना हो वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है। वैसे ही जिन शासन में पैदा होने वाला, जैन धर्म में पैदा होने वाला हर लड़का वो साधु पद का उम्मीदवार होता है, साधु पद का उम्मीदवार होता है, उसका जन्म साधु बनने के लिए ही होता है। आपको मालूम है आप पूजा पढ़ाते हो तो 27 डंके क्यों बजते हैं, 36 क्यों नहीं बजते, 32 क्यों नहीं बजते? हाँ साधु के, हाँ साधु के 27 गुण होते हैं और डंके बजते हैं तो हमको यह एहसास होता है हमारा जन्म साधु बनने के लिए हुआ है, हमारा जन्म साधु। वो डंके बजते हैं ना अंदर, यहां डंके बजते हैं, यहां डंके बजने चाहिए कि मेरा जन्म किसके लिए हुआ है, साधु बनने के लिए हुआ है। सच में बोलो जानकारी है हमें, महात्मा घर में आते हैं तो लाइट चालू नहीं करनी, चालू हो तो बंद नहीं करना, टीवी चालू हो तो बंद नहीं करना, बंद हो तो चालू नहीं करना, चालू तो नहीं करते लेकिन टीवी बंद जरूर कर देते हैं, नहीं कर सकते उनके निमित्त, बेल नहीं बजा सकते। छोटी छोटी जानकारी तो शायद हमें है लेकिन जब जानकारी ज्यादा नहीं होती है, श्रद्धा भाव 200% और जानकारी 0%, तब क्या होता मालूम है? सच्ची घटना एक महात्मा ने बताई, एक घर में गए, साहेब 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 पधारो पधारो, फ्रूट्स है, 48 मिनट हो चुका है साहेब, पूछा 48 मिनट हो चुका है, हाँ हाँ नहीं साहेब चाय चलेगी, 48 मिनट हो चुकी है। अब साहब बोलते हैं 48 मिनट के बाद नहीं चलती है ये, साहब 48 मिनट हो चुकी है, अरे वो फ्रूट्स में 48 मिनट लगता है, चाय में 48 मिनट नहीं लगता है। एक बार वो महात्मा को जब निवी होती है ना, जोग जोग होते हैं तो निवी होती है, तब लीलोत्री नहीं चलती है। महात्मा एक छोटे महात्मा जिनके निवी चल रही थी उनके साथ गए, अकेले नहीं जा सकते, गए और बोला लीलोत्री नहीं चलेगी, दाल में लीलोत्री तो नहीं डाली? नहीं नहीं साहब नहीं डाली है। पत्नी को पूछा, हे लीलोत्री डाली है? नहीं 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 साहब नहीं डाली है दाल में। फिर दूधी की सब्जी खोलता है, ए इसमें लीलोत्री डाली है? पत्नी बोलती है, दूधी की सब्जी है, लीलोत्री की बात ही कहीं आती है, ये हमारी हमारे घर की स्थिति है।